बंदे मातरम साथियों, वेलकम है आप सभी का विजयपथ एजुकेशन पालमपुर में। सो आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप सभी जानते हैं अभी हिमाचल में कोई भी भर्ती जो है वो करंट में नहीं चली है, सारी की सारी भर्तियां हमारी डिले हैं, आगे चली गई हैं। HPSSC हमारा हिमाचल का जो बोर्ड है जो कि भर्तियां करवाता है वो अभी बंद है। तो सरकार जो है वो इस बारे में थोड़ा सा सोचे कि जो भी बेरोजगार हैं उनके बारे में भी उनको जो है वो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सो जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा उससे पहले ही आपको जो है वो अपनी तैयारी जो है वो रखनी है। एक और न्यूज़ जो है वो आपको शायद पता होगी कि कुछ टाइम पहले जो है वो सुक्खू सरकार ने जो क्राइटेरिया था या फिर जो पेपर पैटर्न था उसमें बदलाव किया था कि पेपर 1 पेपर 2 जो हैं वो होने वाले हैं। और अभी जो नई खबर निकल के आई है उसमें ये बताया गया है कि जो HPSSC का जो पुराना सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग जो हैं वो क्लास 3 की भर्तियां जो हैं वो होने वाली हैं। यानी कि अब आपका पेपर 1 पेपर 2 जो है वो नहीं होगा, या आपकी न्यूज़पेपर में जो है वो बताया गया था। सो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो या जिस भी तरीके का आपका एग्ज़ाम हो, आपको जो है वो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन उसमें पूछे ही जाने हैं। बेटेज जो है वो आपकी अप डाउन जो है वो रह सकती है। सो तैयारी जो है वो आपको साथ साथ में करनी है, उसके अलावा आपको बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना है, सिर्फ अपनी स्टडी के ऊपर आप फोकस करें। और सरकार को जो है वो थोड़ा सा सोचना चाहिए इस बारे में कि HPSSC जो है उन्होंने बोर्ड को बंद कर दिया तो बेरोजगारी जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ रही है। तो कुछ भर्तियां जो है वो उनको अभी करंट में निकालनी चाहिए ताकि एक एक करके जो है वो जो बेरोजगार हैं वो अपना एग्ज़ाम जो है वो वहां पर दे सके। हिमाचल के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो लगभग सारे के सारे पेंडिंग है। जैसे अगर हिमाचल पटवारी की बात करें, HRTC कंडक्टर जो कि फॉर्म उसके भर गए हैं लेकिन अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो अभी कुछ हम यहाँ पर बता नहीं सकते कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है या सुक्खू सरकार कब जो है वो एक नया फैसला जो है वो ले सकती है, लेकिन आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन के ऊपर जो है वो फोकस करना है। जितने भी आपके टॉपिक रहेंगे, चाहे वो आपके जनरल साइंस के हैं, जीके के हैं, वो आपको सारे के सारे हमारी पेड क्लासेस के ऊपर प्रोवाइड करवाए गए हैं। आप विजयपथ ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा कंटेंट के बारे में जान लेते हैं कि आपसे पूछा क्या जाएगा। जो भी हमारे टॉपिक रहेंगे, डेली आपको क्लासेस जो हैं वो मिलनी है। लगभग एक हफ्ते में 6 क्लासेस जो है वो आपको कंटिन्यू मिलेंगी। एक फिक्स टाइमिंग जो है वो आपको बता दी जाएगी, इवनिंग के टाइम ही आपकी ये क्लास आपको मिलेगी। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे और लगातार कंटिन्यू जो है वो हमारे अगर इस चैनल के साथ अगर आप बने रहते हैं तो उनके लिए जो है वो एक गिफ्ट भी जो है वो विजयपथ एजुकेशन लेके आएगा। यानी कि उनको एक टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सकती है अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। हमारे विजयपथ ऐप के ऊपर हमारी पेड क्लासेस जो हैं वो भी हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें आप हिमाचल पटवारी, HRTC, हिमाचल पुलिस के और डिफरेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, कंटेंट में हमारे जो आज के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें इंडियन हिस्ट्री की भी बात करेंगे, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी या जो भी हमारा हिमाचल जीके रहेगा। तो आज के इस सेशन में मैंने हिमाचल जीके का भी क्वेश्चन नहीं डाला है और अभी तक जो है वो इंडियन जीके की ही क्वेश्चन आज मैंने स्टार्ट किए हैं। फर्स्ट क्लास आपकी ये रहेगी। ये स्पेशली सीरीज जो है वो हमारी HP पंचायत सेक्रेटरी, HRTC, हिमाचल पुलिस जो 2023 में होने वाला है, बाकी डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। फॉरेस्ट गार्ड की भी भर्ती जो है वो आने वाली है, पटवारी की भी पेंडिंग है, JBT, TGT कमीशन ये तो काफ़ी लंबे टाइम से जो है वो पेंडिंग है। 2020 में जो है वो लास्ट भर्ती हुई थी। सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती जो है वही वो पेंडिंग है। सो
इसमें HPSSC के जो जितने हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी हम कवर करेंगे, साथ में किस तरीके के आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे हार्ड लेवल नहीं उठाया है, सिर्फ स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है, टू द पॉइंट आपको आंसर जो है वो आना चाहिए, जिसमें कोई भी ट्रिक आपकी यूज नहीं है, सिर्फ हिट हिट आपको करना है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, मतलब कि टू द पॉइंट आपको बताना है, बाकी चीजों के बारे में आपको नहीं सोचना है। सो स्टार्ट करेंगे आज के इस पहले क्वेश्चन से। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जनगणना डैश के अंतर्गत वर्णित है। इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिए गए हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान दें, और जो भी हमारे सब्सक्राइबर इस क्लास के साथ जुड़े हैं एक बार वीडियो को आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, और अपना आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में दें कि जो जनगणना होती है, आपको पता है 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी, उसके बाद 2000 जो है वो 21 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से जो है वो पहली बार ऐसा इंडिया में हुआ है कि जनगणना जो है वो काउंटिंग जो है वो उसकी नहीं हो पाई है। तो जनगणना किसके अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत वो आती है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, संघ सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है, संघ सूची के अंतर्गत ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, जल्दी से इसका आंसर आप करें, क्या इसका राइट आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर करें आप। भारत का डैश भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है, यानी कि भारत की ऐसी कौन सी चीज है, कौन सा ऐसा थॉट है या थिंकिंग है, आप मान के चल सकते हैं किताब है, कुछ भी है भारत का, जो कि भारत को क्या मानता है, राज्य संघ के रूप में मानता है। बेसिकली कुछ क्वेश्चन आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड हैं, लेकिन आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो बिल्कुल स्टैटिक जीके के रहेंगे, तो टू द पॉइंट हिट आपको करने हैं, और जब भी स्टैटिक जीके की बात आती है तो स्टैटिक जीके में आप 100% एक्यूरेसी लेके आ सकते हैं। जब भी एमसीक्यू की बात करते हैं तो उसमें लगभग 80% आपकी श्योरिटी रहती है और 20% आपके एरर रहते हैं, लेकिन अब जो नई सीरीज हमारी स्टार्ट हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक जीके के ऊपर ही हम फोकस करेंगे, मतलब कि आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दिया होगा और उसका टू द पॉइंट आपको आंसर बताना है, कोई ऑप्शन आपको नहीं दिए जाएंगे। तो देखिए भारत की ऐसी कौन सी चीज है, तो भारत का वो है संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया को क्या मानता है, एक राज्य संघ के रूप में जो है वो मानता है। तो राइट आंसर क्या होगा, संविधान इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में विटामिन की प्रचुरता होती है, यानी कि कौन सा विटामिन जो है वो मछलियों के लीवर ऑयल में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टू द पॉइंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपसे ये पूछ लिया कि सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है, तो आपको इसमें ऑप्शन को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टू द पॉइंट हिट आपके क्वेश्चन होंगे। जल्दी से एक बार आप कमेंट करिए कि मछलियों का जो लीवर ऑयल है, फिश लीवर ऑयल जो है, उसमें कौन सा विटामिन होता है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहां पर हमारे साथ शेयर कीजिए, जिनका भी आंसर ऑप्शन या फिर आप विटामिन डी मान के चल सकते हैं। मैंने आपको हिंट दे दिया था सूर्य के प्रकाश से, वहां से भी आप इसका पता कर सकते थे। तो विटामिन डी जो है वो क्या है, मछलियों के लीवर ऑयल में पाया जाता है, साथ में विटामिन ए भी जो है वो पाया जाता है। जैसे आपको पता है कि लगभग हरी सब्जियों में विटामिन ए है, विटामिन सी है, या फिर विटामिन ई जो है वो भी इसमें पाया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी किसके साथ जाती है, जैसे जरूरी नहीं है कि सन से जो है वो विटामिन डी ही मिलता है, जरूरी नहीं है, हल्का सा उसमें, हल्का सा अगर मैं बात करूं 100 में से 1% उसमें से विटामिन ए भी हमें मिलता है। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सन से जरूरी नहीं, सन से विटामिन डी तो मिलता है, 100% विटामिन डी मिलता है, लेकिन उस सनलाइट से हमें कहीं ना कहीं विटामिन ए भी मिलता है। तो मेजॉरिटी किसके साथ जाती है, वही आपका आंसर होता है। तो वैसे सब्जियों में विटामिन ए सी ई तीनों के तीनों पाए जाते हैं, लेकिन जब कोई खट्टी चीजों की बात आती है जैसे कि नींबू है या संतरा, तो मेजॉरिटी किसको दी जाती है, विटामिन सी को। वैसे ही यकृत तेल जो है, मछलियों का जो यकृत तेल है वो विटामिन ए में भी पाया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा, विटामिन डी होगा। जल्दी से आप आंसर कमेंट करें कि केमिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है विटामिन डी का, जल्दी से एक बार आप कमेंट करें। अगला प्रश्न है आपके पास, क्षुद्र ग्रह जो हैं वो मंगल और किस ग्रह के बीच जो हैं वो देखे जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह हैं
ये हमारे कौन से दो मुख्य ग्रहों के बीच देखे जाते हैं, मंगल और ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके बीच ये देखे जाते हैं? जल्दी से एक बार आप कमेंट करें कौन सा ऐसा ग्रह है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, सबसे बड़ा ग्रह है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जल्दी से आप आंसर बताएं, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो मंगल और बृहस्पति, जुपिटर के बीच जो है वो क्या पाया जाता है, जुपिटर के बीच क्या पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह जो है वो पाए जाते हैं। आंसर आप कमेंट करते चलें साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परियोजनाओं से रिलेटेड है और ये सारे के सारे स्टैटिक जी के हमारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जो है वो पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा मैं उसमें ट्राई करूंगा कि यहाँ पे नीचे आपको लिख दिया जाए कि क्वेश्चन किस में पूछा गया है। जैसे SSC GD 2007 का आपका ये क्वेश्चन है, जहां से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं, जिसमें हमारे इंडिया लेवल के क्वेश्चन है, कुछ कुछ हिमाचल जीके के क्वेश्चन है। तो तुलबुल परियोजना जो है वो किस नदी पर है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तुलबुल परियोजना जो है वो किस राज्य में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तुलबुल परियोजना किस राज्य में है तो ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी से आप अपना आंसर जो है वो कमेंट करें क्या इसका राइट आंसर है। उसके साथ साथ आप ये बताएं कि तुलबुल परियोजना है किस नदी पर, ये आपको पता होना चाहिए कि तुलबुल परियोजना जो है वो किस नदी पर है। जल्दी से आप अपना आंसर जो है वो यहाँ पर कमेंट करें। तो देखिए तुलबुल परियोजना जो है वो हमारा यूटी है, और सबसे नॉर्थ में जो हमारा यूटी है, जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना जो है वो ये है। और इस परियोजना की शुरुआत जो है वो 1987 में जो है वो शुरू की गई थी। और जम्मू कश्मीर की सबसे फेमस नदी आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में काफ़ी आतंक जो है वो उस नदी का माना जाता है, सबसे खतरनाक नदी जम्मू कश्मीर की वो है झेलम नदी। तो तुलबुल परियोजना कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर पर है और ये झेलम नदी में स्थित है। जो जिनका भी आंसर झेलम है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बाबरनामा के लेखक कौन है, हिस्ट्री से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रटने की भी आपको जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट आंसर आपको इसका पता होना चाहिए। बाबरनामा के लेखक कौन है, तो बाबरनामा के लेखक कौन है ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर शेयर करें, कमेंट करें क्या इसका राइट आंसर है। बाबरनामा जो बुक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका जो आंसर है वो इसी के ही क्वेश्चन में जो है वो छिपा हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए। आंसर आप कमेंट करें जल्दी से जल्दी, जो भी आंसर यहां पर दे रहे हैं वो नेट से चीटिंग ना करें, अपना आंसर यहां पर शेयर करें, अपना आंसर आपको पता होना चाहिए। अपना आंसर आप यहां पर लिखें किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जब भी आप क्वेश्चन देखिए, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आंसर कई बार उसी क्वेश्चन में छुपा होता है। देखिए बाबरनामा तो किसने लिखी, बाबर ने लिखी, राइट आंसर क्या है, बाबर है। तो किसने लिखी है बाबरनामा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, बाबर के द्वारा ही लिखी गई है। और ये जो है वो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया गया था टेलबोट के द्वारा, टेलबोट के द्वारा जो है वो इसमें इसका जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था। और इसमें अगर आप बाबरनामा की बात करें तो बाबरनामा जरूरी नहीं है कि किसी अनदर धर्म को दर्शाती है, इसमें हिंदुस्तान के बारे में जो है वो काफ़ी बारीकी से जो है वो बताया गया है। जो भी सल्तनतें जो हैं वो आई थी, जो भी भारत में जो युद्ध हुए थे उसके बारे में भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है। अगला प्रश्न आप बताइए, हिंट आपको दिया गया है, स्टैटिक जीके का मतलब ही हिंट है, टू द पॉइंट आंसर आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस डैश मार्च को मनाया जाता है। देखिए इजी क्वेश्चन कर दिया मैंने आपके लिए, यानी कि आपसे डेट पूछी गई है, सिर्फ महीना जो है वो आपको दिया गया है। कितनी मार्च को मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन डे आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, जल्दी से आप अपना आंसर जो है वो कमेंट करें क्या इसका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, इजीली याद कैसे करते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को देखिए, ये मैंने लिखा महिला और ये मैंने लिखा वुमेन। महिला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वुमेन कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मार्च के महीने में मनाया जाता है। काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, आप इसके अल्फाबेट को काउंट कीजिए। देखिए WOMEN कितने हो गए? पांच। और हिंदी में म ही ला, पांच और तीन कितने होते हैं? पांच और तीन होते हैं आठ। यानी कि 8 मार्च को जो है ये क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। तो ट्रिक आपको कई बार जो है वो ढूंढनी है, क्योंकि डेट जो है वो, डेट का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ इजी इजी हमें लर्न हो जाते हैं, जैसे कि 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, उसके बाद 15 अप्रैल है, हिमाचल डे मनाते हैं उस दिन। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है या 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो कई बार हमें वो चीज़ें लर्न नहीं होती हैं। तो इसके लिए आप इजिली खुद ही क्या कर सकते हैं, ट्रिक जो है वो बता सकते हैं। तो जिसका भी आंसर 8 मार्च है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, देखिए साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें डाला गया है। लाइट एयर जो है वो किसका मात्रक है, यानी कि लाइट एयर जो प्रकाश वर्ष है वो किसका यूनिट जो है वो माना जाता है? जल्दी से आंसर आप कमेंट करें। लाइट एयर जो है वो किसका यूनिट माना जाता है? लाइट एयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये जो है वो माना जाता है। और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लाइट एयर है उसका यूज क्या है, लाइट एयर बनता कैसे है, या लाइट एयर का बेसिक फिनोमिना क्या है, ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। फिजिक्स का प्लस वन की अगर मैं बात करूं, जो प्लस वन क्लास है उसका पहला टॉपिक जो है ये इसका माना जाता है। लाइट एयर की अगर हम बात करें वैल्यू की, तो 9.46 × 10 की पावर 15, और आगे यूनिट से ही पता चल गया मीटर। मीटर की बात कर रहे हैं तो मीटर किसका यूनिट होता है भाई? मीटर होता है दूरी का यूनिट, डिस्टेंस का, डिस्टेंस का। तो आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है दूरी। ऑप्शन इसमें नहीं दिए गए हैं, आपको टू द पॉइंट हिट करना है आपको इसका आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए काफी कॉमन सा क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान आपको बताना है, लेकिन ध्यान दें किस यूनिट में आपसे पूछा गया है, डिग्री सेल्सियस में आपसे पूछा गया है। सामान्य तापमान कितना होता है? इजी क्वेश्चन है। जिनका भी आंसर 37 आया है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या है? मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, लेकिन सेल्सियस स्केल में। अगर मैं बात करूं कैल्विन की, तो कैल्विन में जो है वो 98.6 जो है वो कैल्विन में क्या है इसका सामान्य तापमान होता है। मुख्य रूप से हमारी 4 टेम्परेचर की जो है वो स्केलें मापी जाती हैं, जिसमें से डिग्री सेल्सियस और कैल्विन ये हम क्लास 10 तक जो है वो पढ़ते हैं। उसके बाद नई एक और चीज़ निकल के आती है जिसको हम क्या कहते हैं, फीमर, सॉरी फीमर नहीं, फारनेहाइट, फीमर नहीं सॉरी, फारनेहाइट जो है वो इसको कहते हैं। तो 3 स्केलें आपकी ये होगी, डिग्री सेल्सियस, कैल्विन, फारनेहाइट, और चौथी स्केल एक और आती है जिसको हम रीमर स्केल बोलते हैं। ये आपकी जो है वो ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर जो है वर्क की जाती है हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इसका फॉर्मूला भी जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कितने कैल्विन को जब अगर हम फारेनहाइट में चेंज करें या फिर डिग्री सेल्सियस में चेंज करें, तो किस प्रकार जो है वो उसको चेंज किया जाता है। बेसिकली हमारी ये पेड क्लासेस में आपको जो है वो सारे के सारे टेम्परेचर की स्केलें जो है, एक कंप्लीट टॉपिक जो है वो आपको इसमें दिया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था, स्लोगन था, वो किसके द्वारा दिया गया था? जल्दी से आंसर करें, इजी क्वेश्चन है, और इनसे रिलेटेड लगभग एक क्वेश्चन आपके हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ऑल इंडिया लेवल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके आपके जो हैं लगभग 10 क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में पूछे जाते हैं, और लगभग 10 क्वेश्चन आपके जो हैं वो हार्ड लेवल के पूछे जाते हैं, ताकि उस लेवल को हल्का सा मॉडरेट बनाया जाए, जो कि जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है या जिनकी तैयारी काफ़ी कम है, उन दोनों के तरीके से जो है वो इसको बनाया जाता है। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो है वो इसको तैयार किया जाता है, क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से रखना है, इजी मॉडरेट
या फिर डिफिकल्ट, हर किसी लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिनका भी आंसर महात्मा गांधी है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो है हुआ था, उसमें एक नारा जो है भारत छोड़ो का नारा जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो आप कमेंट करके बताएं कि आंदोलन हुआ कब था, आपको ईयर बताना है हुआ कब था, जल्दी से इसका भी आंसर आप करें। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आर्मी क्लर्क टेक्निकल और जीडी, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, टेक्निकल क्लर्क जीडी, ये हमारे जितने भी ऑल इंडिया एग्ज़ाम हैं या फिर हमारे जितने हिमाचल एग्ज़ाम हैं उन सभी में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए चली है, या फिर टेक्निकल क्लर्क ट्रेडमैन एनए, सभी आर्मी के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन आपका आपकी लाल किताब में दिया गया है। लगभग 4 या 5 पेपरों में आपसे ये पूछा जाता है। राशियों की कुल संख्या, राशियाँ क्या हैं हमारी, जैसे कि किसी की राशि सिंह है, वृक है, मेघ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तो इस तरीके से राशियों की कुल संख्या होती कितनी है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल संख्या कितनी होती है, 12 होती है। अभी कुछ टाइम पहले आपका जो एग्ज़ाम हुआ था इसका हरियाणा सीईटी का, तो उसमें हरियाणा सीईटी नहीं, टैट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं वो आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। अभी 2022 का ही वो आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है जहां तक मेरे को वो याद है। तो आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं, आधार कार्ड में होते हैं कुल 12 अंक। कितने होते हैं, 12 अंक होते हैं। तो आधार कार्ड जो आपकी संख्या है उसमें कितने अंक हैं, 12 अंक। वैसे ही राशियों की कुल संख्या कितनी है, 12 है। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से होते क्या हैं। तो ये आपको बताना है कि जो एंजाइम है वो एक्चुअल में होते क्या, एंजाइम को बोला क्या जाता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं, वसा बोलते हैं, या फिर कुछ और बोलते हैं। तो मैंने वैसे बेसिकली आपको 3 ऑप्शन जो है वो दे दिए, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद मैंने आपको दे दिया प्रोटीन, उसके बाद मैंने दे दिया आपको बसा। तो इन तीनों में से ही आप कुछ बता दीजिए, एंजाइम होते क्या, हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम हैं, वो बेसिकली क्या हैं, वो बेसिकली प्रोटीन हैं। तो एंजाइम मुख्य रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मुख्य रूप से क्या है, प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे शाइनिंग प्लैनेट कौन सा है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू द पॉइंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का भाई या बहन जो है वो उसको बोला जाता है भोर का तारा, सांझ का तारा भी उसको बोला जाता है, और सबसे चमकीला ग्रह भी उसको बोला जाता है वीनस, यानी कि शुक्र। तो जिनका भी आंसर जो है वो शुक्र आया है वो बिल्कुल सही आंसर है। और वीडियो को एक बार आप लाइक ज़रूर कर दें, किस तरीके की आपको क्लास लग रही है, क्या क्लास में कुछ नई चीज़ें ऐड करनी है वो भी आप हमें सुजेस्ट कर सकते हैं, उस तरीके से हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 1 अप्रैल से जो है वो आपकी बैच जो है वो स्टार्ट करना था, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ है। आज जो है वो आपका 4 अप्रैल से ये जो नई सीरीज़ है उसको मैंने स्टार्ट किया है। आई होप आपको ये क्लास जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, आपके नॉलेज की है। आपको देखिए इसके नोट्स नहीं बनाने हैं, ये आपको हमारे ऐप के ऊपर भी आपको क्लास जो है वो मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ जो है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी आप ले सकते हैं, साथ में आपको ऐप के ऊपर भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। लास्ट में मैंने आपको जो है वो बताना है कि आप किस तरीके से ऐप में जो है वो इसको सर्च कर सकते हैं, साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सौर मंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वो है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बिंदुसार है, एक राजा था, वो किस वंश का शासक था। ये क्वेश्चन हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। और देखिए इसमें ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिंदुसार आपको पता होना चाहिए। जो भी तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली एक्चुअल में होता क्या है कि देखिए अभी कोई एग्ज़ाम है नहीं, तो हमारा जो रिदम है पढ़ाई से रिलेटेड वो धीरे धीरे टूटना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि अगले महीने जब डेट आएगी तब महीना भर पढ़ लेंगे, लेकिन
आपको ये जो नई सीरीज स्टार्ट की गई है, ये आपको सिर्फ करनी क्या है, ये आपको हेडफोन लगा के सुननी है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बोला, बिंदु बिंदुसार किस वंश का शासक था, आप अपने दिमाग में आंसर सोच लीजिए। आपने आंसर सोच लिया, अब मैंने इसका आंसर क्या बता दिया, मौर्य वंश बता दिया। फिर आप उसको क्रॉस चेक कीजिए कि क्या वो मेरा आंसर सही था या नहीं था। बस आपने इतनी सी चीज करनी है, हिट करना है क्वेश्चन अपने तरीके से, और अगर क्वेश्चन आपका सही है तब आपको याद रह जाएगा, गलत है तो जो मैंने आंसर बताया वो आपको याद रह जाएगा, और फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर आपको बढ़ जाना है। मतलब आपको कहीं पे भी स्किप नहीं करना है क्वेश्चन को, आपको ये नहीं करना है कि इसके नोट्स बनाने हैं या कोई नई चीजें लिखनी है। आप सिर्फ वीडियो को जो है वो 10, जो भी हमारी 15-20 मिनट की जो वीडियो है उसको सिर्फ एक बार आप जरूर देखें। उससे होगा क्या, आपकी दिमाग में लगभग 20-25 क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन जो है वो हिट हो जाएंगे, यानी कि फिट हो जाएंगे आपके। और यही क्वेश्चन मेरे जो हैं, जो मैंने आज क्वेश्चन पूछे, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हमारी आने वाली क्लासेस में क्या होंगे, रिपीट होंगे। आने वाली क्लासेस में हमारे क्वेश्चन ये रिपीट होंगे, तो उससे हमें क्या होगा, काफी ज्यादा हेल्प जो है वो मिलेगी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर जो है वो कहाँ पर है। तो लिंगराज मंदिर जो है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। जिनका भी आंसर यहाँ पर भुवनेश्वर आया है वो बिल्कुल सही है। भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में जो है लिंगराज मंदिर जो है वो स्थापित है। जल्दी से एक आंसर आप इसका और बताएं कि लिंगराज मंदिर जो है वो किस भगवान को समर्पित है, किस देवता का जो है वो वहां पर मूर्ति जो है वो स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहते हैं। इजी क्वेश्चन है और मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मकाऊ की मुद्रा को जो है वो पटाका के नाम से जो है वो हम जानते हैं। पटाका जो है वो कहाँ की मुद्रा है, मकाऊ की मुद्रा है। वैसे ही इंडिया की मुद्रा क्या है, रुपये, रुपया जो है वो इंडियन करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो 2 व्यक्ति थे जिनमें से थे एक जीन लूथिए और दूसरे जो थे वो थे निकोलस। तो सिनेमा का आविष्कार जो है वो निकोलस और जीन लूथिए के द्वारा जो है वो किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न आज की इस क्लास का, और ये आपको 101% आपको ये आना चाहिए, क्योंकि अभी इसरो के द्वारा जो है वो एक काफी बड़ी उपलब्धि जो है वो भी सक्सेस होने वाली है। उसका फर्स्ट फेज जो है वो पार कर लिया गया है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, यानी कि पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है। नेचुरल की ही बात करेंगे क्योंकि वो क्या है, हमारी तरफ से नहीं बनाई गई है, वो पहले से ही है, नेचुरल है वो। तो वो आप बताएं कि वो नेचुरल उपग्रह कौन सा है, तो वो आप सभी को पता होना चाहिए वो कौन सा है। वो है मून, यानी कि चंद्रमा। तो अभी कुछ टाइम पहले जो है वो चंद्रयान भी इंडिया के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है, इसरो के द्वारा। कमेंट करके आप बताएं कि इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है, इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि विजयपथ एजुकेशन के द्वारा जो है वो आपको डेली हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, आप ध्यान दें यहाँ पर थोड़ा सा, जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको डेली के जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश, यानी कि बाइलैंगुअल आप सोच के चलें, एक ही फाइल में आपको जो है वो करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें हिंदी मटेरियल भी है, साथ में इंग्लिश का भी उसमें लैंग्वेज जो है वो ट्रांसलेट करके आपको दी गई, यानी कि बायलैंग्वल आपको जो है वो क्या प्रोवाइड करवाया जा रहा है, करंट अफेयर डेली का डेली आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। उसके साथ में अगर आप मंथली करंट अफेयर भी अगर आपको चाहिए, तो आप विजयपथ ऐप आप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, विजयपथ गवर्नमेंट जॉब तैयारी जो है वो आप ऐप डाउनलोड करें। वहां पे आप करंट अफेयर के टैब के ऊपर आप जाके आप मंथली या वीकली करंट अफेयर की पीडीएफ जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में विजयपथ एजुकेशन के द्वारा जो है वो डेली व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एक न्यूज़पेपर जो है वो आपको भेजा जाता है। अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूं, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं
जो न्यूज़पेपर जो हैं वो किस तरीके से पढ़ते हैं वो मैं आपको बता देता। कई सारे एस्पिरेंट्स हैं जो हार्ड कॉपी की फॉर्म में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो हमारे सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में पढ़ते हैं। जैसे कि डिफरेंट न्यूज़पेपर आते हैं, जिसमें से हिंदी न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूं, अमर उजाला, पंजाब केसरी, जो भी लोकल न्यूज़पेपर हैं हिमाचल के, दिव्य हिमाचल, दैनिक जागरण, हिमाचल दस्तक, दैनिक सवेरा, उत्तम हिंदू। इसके साथ जो हमारे इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस है, ट्रिब्यून है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, और स्पेशल न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूं, जिसमें से गिरिराज जो है वो हिमाचल की करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जो है वो माना जाता है। साथ में मंथली मैगजीन जो है वो भी आपको भेजी जाती है, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण है, तो इसके लिए एक स्पेशल न्यूज़पेपर का ही एक विजयपथ एजुकेशन ग्रुप जो है वो एक बनाया गया है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके डेली के न्यूज़पेपर आपको भेजे जाते हैं। जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ना चाहते हैं सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आई होप आपको क्लास जो है वो काफ़ी अच्छी लगी। जल्दी ही एक नई क्लास के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।